शांत स्वभाव, उदारवादी छवि, अपनी बात को रखने की अनोखी कला और कुशल रणनीतिकार जेटली की शख्सियत की ये वो बातें थी जो उन्हें सियासत में एक अलग मुकाम दिलाती थी। सियासत की दुनिया में बीजेपी का मुस्तकबिल लिखने में कहीं ना कहीं जेटली ने भी मुकम्मल भूमिका निभाई। बीजेपी की नीतियों को बौद्धिक जामा पहनाकर मुश्किल पड़ाव की हर जंग जीती, लेकिन शनिवार को बीजेपी कारण जिंदगी की जंग हार गया और इस तरह सियासत के एक दौर का अंत हो गया। लेकिन जेटली के कुछ फैसले ऐसे रहे जिन पर खूब हंगामा मचा, जमकर आलोचना हुई, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने जब नोटबंदी कर 500 और 1000 रुपए के नोट को प्रतिबंधित करने का ऐलान किया, उस वक्त जेटली वित्त मंत्री थे। सरकार ने इसे कालेधन पर प्रहार बताया और तर्क रखा कि इससे नकली नोटों पर लगाम लगेगी, लेकिन ये बात विपक्ष के गले नहीं उतरी और खूब हंगामा मचा। देश भर में कई दिनों तक उथल पुथल मची रही। बावजूद इसके बतौर वित्त मंत्री जेटली हमेशा इस फैसले पर मजबूती के साथ खड़े रहे। जीएसटी, एक राष्ट्र एक टैक्स, इस नारे के साथ मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का ऐलान किया था। हालांकि इसे लागू करने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन वित्त मंत्री रहते हुए कर व्यवस्था में हुए इस ऐतिहासिक बदलाव का श्रेय जेटली को जाना लाजमी है। जीएसटी को वित्तीय क्षेत्र में सुधार को लेकर बड़ा कदम माना गया, जिसे लागू करवाने को लेकर अरुण जेटली को इतिहास हमेशा याद रखेगा। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक जनधन योजना भी थी। इसके जरिए तकरीबन 35 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले गए। इस योजना की सफलता का सेहरा भी बतौर वित्त मंत्री अरुण जेटली की सिर के बल था। आम बजट और रेल बजट का एकीकरण। 92 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए जेटली ने आम बजट और रेल बजट का एकीकरण कर दिया। अपने इस फैसले के जरिए अरुण जेटली ने आर्थिक मोर्चे पर सुधार का बड़ा कदम उठाया था। इसके साथ ही जेटली ने बजट पेश करने की तारीख में भी बदलाव किया। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।